अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है और दुआ है कि बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू चिकन की रेसिपी, जो कि हम वाइट जो हमारे दाल चावल वाले ज़ीरे वाले चावल होते हैं उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे और बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही अच्छे मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। तो मैंने सोचा आज आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करते हैं। तो ये मैंने आधा कप ऑयल लिया है, तेल गरम कर लिया हमने, और ये मैंने एक तेज़पात, एक दार चीनी का टुकड़ा और एक टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल के हल्का सा क्रैकल किया। बहुत ही लजीज़ बनता है ये सारा ना, आप बनाइए ज़रूर, और रोटी और नान के साथ भी बहुत मज़ा आता है। और एक टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर डाला है लहसुन अदरक, अदरक का फ्रेश पेस्ट, इसको हल्का सा हमने भूना। तो जब इसकी स्मेल ख़त्म हो गई तो हम इसमें, ये मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ तकरीबन है 800 ग्राम, यानी कि एक किलो से कम और आधा किलो से ज़्यादा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को भी दबाइएगा, तो उससे जब भी मैं अपनी कोई रेसिपी अपलोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसको मैंने कलर चेंज होने तक चिकन को भूना अच्छे से, देखिए, और ये पिंक पिंक सी हो गई है। और ये दो छोटी प्याज को मैंने ब्राउन करके, इसका पेस्ट मेरे पास बना हुआ था, मैंने टाइम सेव करने के लिए कर लिया है, लेकिन अगर ना हो तो आप बना के ग्राइंड करके इस तरीके से दो प्याज को अच्छे से करके इसमें दो टेबल स्पून भर के पेस्ट यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब पेस्ट आप बना लीजिएगा, यानी फ्राई करके इसको पेस्ट कर लीजिएगा। ये आ गए खुश मसाले, ये जाएंगे इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी, हाफ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, दो टी स्पून इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्चों का पाउडर, दो टी स्पून इसमें ये लेंगे हम धनिया पाउडर, दो टी स्पून इसमें लेंगे हम, अच्छा हाँ, एक टी स्पून इसमें नमक जाएगा, और दो टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। ये सारे मसाले इसके अंदर चले जाएंगे, और नमक और मिर्च को आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप सुर्ख मिर्च को ज़्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, तो क्योंकि, और कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास नहीं है तो ना यूज़ कीजिए, सिर्फ मैंने कलर के लिए डाली है। बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, क्योंकि जैसे ही आप पानी डालते हैं तो वो अपना जो मसालों का टेस्ट होता है वो एकदम से निकल के आता है। तो थोड़ा थोड़ा सा, बस एक एक टीस्पून टेबल स्पून डाल के, और ये मैंने तीन टमाटर छोटे लेकर, ये मेरे टमाटर का कलर आप इसमें मत जाइएगा, थोड़े से रेड नहीं है, लेकिन इसको मैंने ग्राइंड करके अच्छा सा पेस्ट बना के इसमें डाला है। तो इसमें बिल्कुल भी प्याज टमाटर कोई चीज़ नहीं दिखती है, जो लोग घर में पसंद नहीं करते हैं, हमारे घरों में अक्सर कि प्याज ना दिखे और टमाटर ना नज़र आए, तो वो बहुत स्मूथ सा सालन बनता है, बहुत ही अच्छी ग्रेवी वाला। और इसको अब मैं 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले अच्छे से एक हो जाएं, देखिएगा तो ये तेल ऊपर आ गया और मसाले थोड़े पक गए हैं टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स होने के लिए, मैंने पानी डाल के 5 मिनट के लिए पकाया था। और ये इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून दही है, भर के, तो ये डल चला गया इसके अंदर, और इसको मिक्स करके फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनेगा ये, बिल्कुल लो फ्लेम पे अभी पक रहा है, लो टू मीडियम पे हम इसको पकाएंगे। बस चले, दही भी मिक्स हो गया आप सारे मसालों के साथ अच्छे से, और देखिए तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया, आपको दिख रहा होगा कि सरफेस पे आपको तेल भी दिख रहा है। बस ये हमारे यहाँ एक आलू जाएगा, तो क्योंकि आलू इतने ही खाए जाते हैं तो फिर मैंने एक आलू छील के इसके अंदर मिक्स किया, और बस 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से भूना मसालों को एक साथ। ये देखिए तेल ऊपर आना शुरू हो गया है, बल्कि मैंने शायद 6, हाँ ये देखिए। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 कप भर के पानी, अगर आप चाहें जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतनी पानी, क्योंकि इतना पानी बहुत है, तो 2 कप बहुत होगा। और ये आपको इतना ग्रेवी दिख रही है, लेकिन जब ये ठंडा होगा सालन, जब आप इसको उतारेंगे तो बहुत अच्छी ग्रेवी का सालन बनेगा और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और इसको अब मैं चिकन गलने तक 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। और ये मैं चावल बॉईल कर रही हूँ, इसको मैंने 2 कप चावल को 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था, और अब मैं इसके अंदर 2 जग भर के पानी डाल के खुले पानी में अच्छे से बॉईल करूँगी। और ये ऑप्शनल है, ये मैंने 2 बादियां के फूल और 1 तेज़पात, वरना तेज़पात डालें, और आप इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल के
और इसको जैसे हम बिरयानी के चावल बॉयल करते हैं इतना बॉयल करेंगे। और ये देखिए चावल मेरे बॉयल हो गए हैं, मैंने इसको अच्छे से निथार के यानी कि स्ट्रेनर में डाल के पानी इसका निकाल के और उसके बाद ये मैं दम पे रख दूँगी। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ और इतनी देर में इसका भगार हम रेडी कर दें। भगार में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है और उसमें आपने 1 टीस्पून आपने इसमें ज़ीरा डाल के क्रैकर करना है अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें आपको आवाज़ भी आ रही होगी बड़े ज़बरदस्त सी। और ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी, बस चावल हमारे एकदम रेडी हो चुके हैं। और इधर हम इसके बाद सालन भी चेक कर लेंगे कि बहुत ही मज़ेदार चावल बनते हैं, ऊपर से आप भगार लगेंगे इतनी मज़ेदार खुशबू आती है। तो देखिए बस अब ये रेडी हो गए मेरे, इसको मैंने 2 से 3 मिनट और दम पे रखा था और ये रेडी हो चुके हैं। चूल्हा बंद कर दूंगी और अब हम अपने सालन को चेक कर लेते हैं, वो भी रेडी हो चुका होगा। ये देखिए भाप निकल आई ज़बरदस्त सी और ग्रेवी तैयार है। आलू भी गल गए हैं, चिकन भी बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। चिकन तो भाप पे ही गल जाती है लेकिन ये फिर भी हमने अच्छे से गलानी होती है। ये 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, 2 हरी मिर्च ली है, स्लिट की है मैंने इनको बीच में से काट के, और मुट्ठी भर तकरीबन हरा धनिया लेके इसको मैंने डाला है खुशबू के लिए, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। इसको मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए बस इसको मैं रखूँगी ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट, और देखिए 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट, और 2 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। तेल ऊपर आ चुका है, देखिए तेल कितना कम डाला था लेकिन फिर भी तेल बिल्कुल शोरबे को अलग कर चुका है। और ये देखिए ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के लेमन जूस डाला है टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार करने के लिए। और बस अब हम इसको सर्व करेंगे, अपनी टेबल तक लेके जाएंगे, दस्तरखान की रौनक बनाएंगे। बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार बनता है ये। आपको इतनी ग्रेवी दिख रही है लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम इसको करेंगे, अगर इसमें और अगर आप इसको गाढ़ा करेंगे तो ये थोड़ा ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ा हो जाता है सालन, तो इतनी ही ग्रेवी काफ़ी है। तो बस रेडी कीजिए, बनाइए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं देखती रहती हूँ कि किसके कमेंट्स आए हैं किसके नहीं आए हैं, तो बड़ा इंतज़ार रहता है। और थैंक यू सो मच। और ये देखिए लाइक भी कितना मेरा मैचिंग का आ गया है, तो प्लीज़ लाइक करते जाइए और इंशाल्लाह एक अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।